एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ और ये वीडियो मैं ना बहुत दिन पहले ही बनाना चाह रही थी क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। जी हाँ, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही लग गया होगा कि जी हाँ, मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, तो मैंने सोचा ये खुशी जब हम आपके साथ गम शेयर करते हैं और बाकी चीज़ें शेयर करते हैं, हर चीज़ का अपडेट आपको देते हैं, तो चैनल मोनेटाइज हुआ है जो कि आप लोगों के सपोर्ट से, तो आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। बस थोड़े से टाइम की वजह से नहीं ये वीडियो बन पा रही थी, फाइनली आज बन चुकी है। तो मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं और आपको ये अपडेट दे देते हैं थोड़ा सा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और मैं बहुत 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 खुश हूँ। तो आप लोगों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों के प्यार से और आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। नहीं तो बीच में ना ऐसा टाइम भी आया कि मेरा मन किया कि मैं बंद कर दूं अपना यूट्यूब का चैनल, बट आप लोगों का कमेंट्स और आप लोगों का प्यार, तो उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जितना मैं थैंक यू बोलूँ उतना कम है। सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज होने के बाद भी आपके सपोर्ट और आपके प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना साथ और अपना सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो डेली मुझे मैसेजेस आते थे कि मैम आप जो है ब्लॉग वीडियो कब डाल रहे हो, और इधर बीच वीडियो काफ़ी दिन से नहीं बन पा रही थी। थोड़ी सी लाइफ में हो जाती है कि अप डाउन चलता रहता है ना, तो वो चीज़ें हो गई थी, थोड़ी सी लाइफ में प्रॉब्लम लगी रहती है, कहीं कभी दुख कभी सुख, तो ये लगा रहता है। बट कोई नहीं, आज से वीडियो बनाना फिर से स्टार्ट हुआ है, तो अब डेली का डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा और डेली मेरी वीडियो जाएगी। तो बस यही छोटी सी अपडेट आप लोगों को देनी थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को लेके। और हाँ, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है मेरे लिए पास कि मैम आप अपने बालों में क्या लगाते हो, कौन सा तेल यूज़ करते हो। तो मैंने सोचा, और मैं वो तेल अपने लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो के थ्रू शेयर भी कर दिया जाए, तो इसलिए मैंने आज वो तेल चल रही हूँ मैं बनाने के लिए, क्योंकि मेरा वो ख़त्म हो गया तेल, तो मैंने सोचा मैं बना रही हूँ तो वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मैं कौन सा तेल यूज़ करती हूँ और कैसे यूज़ करती हूँ, वो चीज़ को भी मैं बताऊँगी। और इस तेल को जो है मैन और वोमेन दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं ज़रूरी है कि सिर्फ हम लेडीज़ ही उस तेल को लगा सकते हैं। और उस तेल से फ़ायदे बहुत सारे हैं, वो मैं आगे आपको वीडियो में बनाते टाइम बताती रहूँगी, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा। और आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ भर भर के कमेंट करिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले वो तेल बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे बालों के तेल बनाने से पहले हम कॉफ़ी बना लेते हैं, और तनु के लिए दूध थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। कॉफ़ी और दूध साथ में ही मतलब बन जाता है और गर्म भी हो जाता है, और मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहता है, और कॉफ़ी मुझे पसंद भी है। चाय के अकॉर्डिंग चाय भी पसंद है, बट चाय अलग बनानी पड़ती है, लाडो के लिए दूध अलग गर्म करना पड़ता है, और कॉफ़ी बनाने के लिए क्या रहता है कि साथ में ही दूध गर्म करो, कॉफ़ी अलग अलग बना लो। तो चलिए कॉफ़ी यहाँ बन रही है, तब तक हम तेल के लिए सामान देख लेते हैं कि मैंने तेल के लिए यहाँ पे क्या क्या सामान लिया है। तो यहाँ पे मैंने ये जो घर पे डेली यूज़ में तड़के में मेथी दाना आता है, मैंने उसको ग्राइंडर जार में डाल के पीस लिया है, हल्का सा दरदरा पीसा हुआ है, बहुत ज़्यादा पाउडर फ्रेम में नहीं किया है। मेथी दानों को बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, बस हल्का सा ग्राइंडर जार में डाल के चला देना है ताकि वो हल्का सा दरदरा हो जाए। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब पतला या पीस के एकदम आटे जैसा नहीं बना दिया है, बिल्कुल दरदरा है। और ये कलौंजी नहीं है, ये है प्याज का बीज, ईजिली मार्केट में मिल जाता है, जहाँ पर पेड़ पौधे या बीज वगैरह मिलती है वहीं से मैंने लिया है। और ये है सरसों का तेल, जो शुद्ध है सरसों का तेल, मेरे घर का है, मैं गांव से आते टाइम लेके आई थी। तो गांव में क्या रहता है, जो घर के सरसों का तेल रहता है वो बिल्कुल शुद्ध रहता है, तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम तेल ले रखा है।
ये बड़े वाले कप से नाप लिया है, आप कोई भी चीज़ का नाप बना सकते हो, चाहे ग्लास का, कटोरी का, उसी के अकॉर्डिंग सारे सामान को लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी बन गई है, कॉफ़ी के साथ साथ इंजॉय करते हैं और चलिए तेल भी अपना बना लेते हैं यहाँ पे। तो तेल को हम बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में, ताकि उसका भी कुछ आयरन मेरे बालों में जाए। तो यहाँ पे लोहे की कढ़ाई हमने गैस पे रख दी, हल्की सी गर्म हो रही है। गर्म होने के बाद हल्का सा अब इसमें हमने जो लिया है 250 ग्राम तेल, इसको इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी, ये कॉफ़ी मग की तरह बड़ा सा मग है, किसी चीज़ का आप माप बना सकते हो। तो सारे तेल को कढ़ाई में डाल दिया है, अब ये ज़रूरी नहीं कि तेल भी गर्म हो जाए तब सारी चीज़ें आप इसमें डालोगे। आप जो है तेल यहाँ पे हल्का हल्का सा गर्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि ये कितना है, इस स्पून से 3 स्पून है। तो यहाँ पे मेथी के दाने को अब इसमें हम ऐड कर देंगे, और 3 स्पून हमने मेथी का दाना लिया है जो कि ग्राइंडर जार में पीस लिया है, और ये 3 स्पून मैंने ये भी लिया हुआ है प्याज के बीज को। अब सारी चीज़ों को इसमें डाल के एक बार मिक्स कर देंगे, और हमें हाई फ्लेम पर इसको बिल्कुल नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम पे इसको हम छोड़ देंगे। और इतना भी ज़्यादा नहीं पकाना है कि बिल्कुल ये काला हो जाए, कि तेल का कलर बिल्कुल काला हो जाए। हाँ, हल्का सा चेंज हो जाता है, लेकिन अब इसको 5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, और ये धीमी आंच से पक जाएगा। और ये जो है मेथी दाना और प्याज का बीज तेल एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और हल्की हल्की सी ना इसमें खुशबू भी आने लगती है जब बहुत अच्छे से ये पकने लगता है। देख सकते हो कि ये तो अच्छे यहाँ पे से आप देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल धीमा करके छोड़ रखा है, और यहाँ पे ये पक रहा है, और हल्के हल्के से इसमें देख रही हूँ ऊपर से गाजर भी आ रहे हैं। तो अभी लेकिन ये अच्छे से पका नहीं है इसका ये टुकड़ा, तो अभी इसको हम 2-3 मिनट के लिए और पका पकाएंगे। इसको हम 2-3 मिनट के लिए जब तक ये पक रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं कैसे इसको यूज़ करती हूँ। जो मुझे शैम्पू करना रहता है, तो उसके एक दिन पहले ही मैं रात में इसको लगा के पूरी रात के लिए अपने बालों में छोड़ देती हूँ, ताकि अच्छे से बालों में एब्जॉर्ब हुआ रहे। और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इस मौसम में ना बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बहुत ज़्यादा, मेरे भी बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। ऑलरेडी मैंने ये तेल बना रखा था, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, और ये तेल मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं, तो फिर इसलिए वो तेल जल्दी ख़त्म हो गया। लास्ट में दिखाऊंगी, बॉटल में ज़रा सा अभी है, तो मैंने सोचा ख़त्म होने से पहले इसको फिर से बना लेते हैं। तो रात भर इसको मैं अपने बालों में लगा के छोड़ती हूँ, और मॉर्निंग टाइम पे मैं शैम्पू कर लेती हूँ, तो मेरे बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। इस समय में बाल टूट रहे हैं, बट जो है मतलब ऐसा हो जाता है ना कि जो नए बाल आते हैं निकल के, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से मजबूत रहते हैं। और हाँ, बहुत ही ज़रूरी बात, जैसे कि कुछ लोगों को सरसों का तेल नहीं सूट करता है, तो आप इसको कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हो, नारियल के तेल में भी बना सकते हो, बट ये बहुत मतलब ज़्यादा फ़ायदा ये सरसों के तेल में ही करता है। मैं तो सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, और मुझे अच्छे से सूट भी करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तेल अच्छे से पक चुका है, और इसको अब हम रख देंगे साइड ठंडा होने के लिए। जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए, तब इसको हम छान लेंगे, छन्नी की सहायता से इसको छान कर किसी बोतल में भर के रख देंगे, और जब भी आपको शैम्पू करना हो उसके पहले आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तेल बिल्कुल ठंडा हो चुका था, तो उसी कप में मैंने इसको छान लिया है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा काला नहीं हुआ है कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा बिल्कुल काला कर दिया है, वो तेल जल जाता है, तो वो हमारे बालों में फ़ायदा नहीं करेगा। तो ये है वो बॉटल, ये देखिए मैंने इसमें रखा हुआ था, इतनी ज़रा सा बचा हुआ है, ये बॉटल भर के मैंने बनाया हुआ था। मेरे बालों में कुछ ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से बड़े हैं, हस्बैंड के तो ज़रा सा लगता है, बट कोई नहीं, मैंने फिर से बना दिया है। तो अब इस बॉटल में हम भर के रख देते हैं, और इसको आप यूज कर सकते हो। बनाने के बाद इसको 6 महीने तक रख के आप इजीली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक बॉटल में भर दिया, अभी तेल बच गया है, तो मैं इसको दूसरी बॉटल में भर के रख दूँगी। तो
यहाँ पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैंने अपने बालों में लगाने के लिए तेल तैयार कर लिया है। तो ये तेल मैं रात में यूज़ करती हूँ, रात भर लगा के छोड़ देती हूँ और सुबह शैम्पू कर लेती हूँ, तो मेरे बाल बहुत ही अच्छे और सिल्की और अच्छे खासे मजबूत बने रहते हैं। वैसे मेरा बाल मतलब ज़्यादा वैसे नहीं टूटता है, बट बारिश के मौसम में, ये जो मौसम है इसमें मेरा बाल, बाल की अच्छी खासियत ये है कि सिर्फ इसी तेल की वजह से है कि टूटता है, बट नए बाल निकल आते हैं और जो नए बाल निकलते हैं वो अच्छे से मजबूत रहते हैं, तो अच्छा रहता है। और ये तेल ना मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं और मैं, दोनों लोग यूज़ करती हूँ, तो ये तेल तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। बाकी आप लोग देख लेना, अगर आपके लिए ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो ये वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा कि आगे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आने वाली है, अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि आ रहा है मेरी लाडो का बर्थडे, तो बर्थडे में बहुत सारी अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।